हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह का वक्त है, हम लोग अभी सिलीगुड़ी में हैं और अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग। यस, इस मानसून के मौसम में हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग और बाई रोड। तो अभी हम लोग अपना कैब का वेट कर रहे हैं, कैब आने वाला। ये देखिए बाहर के व्यू, बारिश हो गया, सारा रात बारिश हुआ आज। और अभी सुबह के 7:20 हो रहा है, 7:25। हाँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दार्जिलिंग। हाँ, अच्छा लग रहा है दोस्तों। हम लोग ऑलमोस्ट हम रेडी है, हम लोग लगे, देखो लगे हमारा सर रेडी है। अजलान सोया हुआ, अजलान उड़िया, बड़ा गाड़ी आ गया, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ। अच्छा चलो, ये तैयारी कर रहे हैं रास्ता का। चलो हेलो, गाड़ी आ गया, हैप्पी दोस्तों, गुड न्यूज़, गाड़ी आ चुका है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए, ठीक है? तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं सर आगे की। चलिए चलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45 AM, ठीक है? अभी हम बस हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ से विधान मार्केट में। तो हेलो बोलो, हैप्पी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? खुदा अच्छी, दार्जिलिंग। ओके, तो आज ये हमारे कनक दा है, ये हम लोग को आज ले जाएंगे दार्जिलिंग। कनक दा, ओके दादा, चलो ठीक है। हम लोग कौन से रूट से जाएंगे कनक दा? हम लोग अभी रोहिणी से जाएंगे, सुखना होकर रोहिणी। सुखना होते हुए जाएंगे ना? हाँ। टाइम कितना लगेगा पहुंचने में? 11 बजे पहुंचेंगे हम लोग, 7:45 इनके करीब करीब 3.25 घंटा। चलो ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आराम चलेंगे बारिश का टाइम है। हाँ 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 बिल्कुल। ये है सेवक मोड़ और ये हो गया हिलकाट रोड। ये है टेंजिंग नॉर्गे बस टर्मिनस। यहाँ पर आपको लोकल, बाकी स्टेट और यहाँ तक कि आपको नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के लिए भी बस यहाँ से मिल जाएगी। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का डिस्टेंस 76 किलोमीटर है ना? तो 3 से 3.5 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे। थोड़ी ही दूर से थी जब मैं रास्ते पे दिखाई दिया मैराथन, उसका नाम था रन फॉर भारत। था तो हम लोग भी इस मैराथन का मजा लेते हुए आहिस्ते आहिस्ते चल पड़े दार्जिलिंग की ओर। ये मैराथन का फिनिशिंग पॉइंट था, यहाँ पर आकर मैराथन खत्म होता है। ये खूबसूरत जंगल होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे पहाड़ की तरफ। ये कौन सा लोकेशन है, क्या नाम है इसका? अच्छा अच्छा, ये कौन सा रास्ता गया? मिरिक चले गया। अच्छा, ये रास्ता मिरिक चले गया और ये जा रहा है दार्जिलिंग की तरफ। इस पॉइंट पे बोलते हैं कौन सा मोड़? मोहिनी, रोहिणी, रोहिणी। अच्छा दोस्तों, लोकेशन दे रही, व्यू कितना खूबसूरत व्यू होगा। ये पूरा अभी फॉग, अभी थोड़ा वेदर थोड़ा साफ हुआ है, वेदर क्लियर हुआ है, बारिश कम हुआ है, तो अभी बाकी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। फोर सीटर,
ये देखो टी गार्डन, तो देखे सामने पूरा ये टी गार्डन है, ये देखिए टी गार्डन व्यू। तो ये पूरा रास्ते आपको टी गार्डन मिलेगा यहाँ पर, पूरा यहाँ से शुरू होता है आपको दार्जिलिंग, पूरा टी गार्डन मिलेगा। दोस्तों कितना खूबसूरत व्यू सामने दिख रहा है, क्या बात है। ओ हो 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 भाई मन, ये रास्ता ऊपर नीचे, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर भाई। इधर के सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टी गार्डन, एकदम बिल्कुल क्लोज लुक टी गार्डन का। ये देखिए ओए भाई ये व्यू देखो भाई। अरे भाई वाह, यही तो मजा है। कारसियांग बस हम पहुंच गए 1 किलोमीटर और दार्जिलिंग करीब 35 किलोमीटर और बाकी है। तो दोस्तों हम लोग कारसियांग इन कर रहे हैं, ये देखिए बस कारसियांग पहुंच गए हम लोग, यहाँ से शुरू होता है कारसियांग। अगर देखा जाए तो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जो कारसियांग है जो पहला बड़ा पॉइंट है और करीब ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया हम लोग सिलीगुड़ी से। कारसिंग रेलवे स्टेशन ये देखिए, तो अभी हम दिलाराम में आ गए, घूम के बड़े पास में। ना कोनो फोन आशे नहीं तो 8 महीने दारा फोन कर बोलते भाई के। तुम्हें ये करने को था क्लास साइड है। 8 महीने में आ गए तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और चलिए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत प्यारा व्यू है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है, और ख़ासकर ये मानसून में ना ये और भी अच्छा लगता है देखने में। तो अभी थोड़ा बारिश कम हो रहा है, होपफुली आगे भी बारिश थोड़ा कम हो बारिश, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश होगा तो फिर हम आगे घूम नहीं पाएंगे। ये देखिए दोस्तों हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, एक वेज मोमो और एक लच्छा पराठा और हम लोगों ने मैगी ऑर्डर किया। तो दो तुम्हारे के लिए क्या है, तुम क्या मैगी, ओके तो दो मैगी हैगी। और बाबू को तबीयत ठीक नहीं है, सही नहीं लग रहा उसको, एक्चुअली पहाड़ में उसको थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। बाबू क्या खाना है, मैगी नहीं मोमो, अच्छा बाबू के लिए मोमो आ रहा है।
और हम लोग के लिए आ रहा लच्छा पराठा। हम लोग का ब्रेकफास्ट आ गया, ये देखिए ये दो लच्छा पराठा, दो सब्जी मटर, ये 70 रुपीज़, मोमो 60 रुपीज़, और ये है मैगी 60 रुपीज़, दो का फेवरेट मैगी। ये आलू पालक साग, दो लच्छा पराठा, बिल्कुल प्लेन है, बहुत कम कम बहुत ही कम तेल मसाला का, सही है। अच्छा चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर पिक करते हैं। ओहो टॉय ट्रेन जॉय राइड चले सिलीगुड़ी ना, अच्छा सिलीगुड़ी स्पेशल ट्रेन। टाइम हो रहा है 10:31, सुना था स्टेशन, बारिश बहुत तेज हो रहा है। तो दोस्तों आप मॉनसून में घूम का नज़ारा देख रहे हैं, आप घूम स्टेशन है और यहाँ पर बारिश बहुत तेज हो चुका है। जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ता में इतना बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं यहाँ पर बारिश तेज हो गया, और पता नहीं दार्जिलिंग का क्या हालत है मालूम नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, ये है घूम बाजार, घूम मार्केट। दार्जिलिंग से घूम तक जॉय राइड चलता है ट्रेन, टॉय ट्रेन। सामने डाली मॉनेस्ट्री, ये आपको अगर दिख गया मॉनेस्ट्री मतलब आप दार्जिलिंग पूरा विन करके, मतलब इसके बाद ही दार्जिलिंग पूरा आपको आ जाएगा। नहीं काफी बड़ा मॉनेस्ट्री है।
दोस्तों ये सिलीगुड़ी का कार पार्किंग जोन है, अगर आप गाड़ी लाते हो तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो। दोस्तों ये राइट साइड आप देख रहे हो, ये है आपका इंजन जोन। यहाँ पर स्टीम एंड डीजल इंजन टॉय ट्रेन की यहाँ पर खड़ी रहती है। और ये है दार्जिलिंग स्टेशन। दार्जिलिंग पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों हम लोग दार्जिलिंग आ गए हैं, तो ठीक सामने मॉल है तो यहाँ पर उतर गए हम लोग। तो रास्ता बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी मतलब रास्ता में मतलब बारिश हुई तो एनीवे मतलब बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अभी हम लोग तो ये वीडियो ये पर हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मतलब बदमाश करबे ना, ठीक है, थैंक यू, ভালোভাবে থাকবে হ্যাঁ, বাই বাই, আঙ্কেলকে বাই করে দাও, থ্যাংক ইউ।